विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में प्रसिद्ध है। महाकाल की नगरी में महाकाल वन में ही सिद्धिविनायक गणेश मंदिर स्थापित है। यह मंदिर कई साल पुराना है। यहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। जो भी भक्त महाकाल आते हैं वो सिद्धिविनायक जाना नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा जाता है, इसके लिए कई लंबी लंबी लाइनें भी लगती है। सिद्धिविनायक गणेश अपने आप में प्रसिद्ध माने गए हैं। यहाँ पर एक रखा सूप भी माना जाता है। यहाँ पर कई सेलिब्रिटी भी आ चुके हैं। आप अगर उज्जैन में घूम रहे हैं और आपके हाथों में नया चमकीला लाल किला रेशम का बंधन दिखाई देता है तो कोई भी व्यक्ति बोल देता है आज तो सिद्धिविनायक गणेश बाबा के दर्शन करके आए हो। यहाँ पर मन्नत का धागा बनवाने से मन्नत पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पर प्रार्थना करता है गणपति महाराज उसको मन्नत पूरी करते हैं। प्रतिदिन इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं कि 20-25 किलो धागा भी कम पड़ जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं लेकिन मन्नत का धागा बनवाना नहीं भूलते। आइए जानते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के पुजारी चम्मू गुरु से इस मंदिर का महत्व। श्री सिद्धिविनायक गणेश है, राजा भर्तृहरि द्वारा स्थापित प्रतिमा, करीब 2700 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। डॉक्टर वाकट जी प्रति प्रसिद्ध यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने इस पर शोध किया था। और ये सबसे बड़ी बात है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रांगण में स्थित है जो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है जो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध क्रिकेटर, फिल्म अभिनेता, राजनीतिक सभी यहाँ पर रक्षा सूत्र बंधा के जाते हैं, अपनी मनोकामना बोल कर जाते हैं। और जब उनका विशेष कार्य भी पूर्ण होता है तो फिर से वो धागा, चाहे वो एक साल हो, चाहे 6 महीने, 4 महीने या 2 साल हो, पुनः अपना धागा बदला के जाते हैं।